चलो ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, क्या स्टडी किए थे लास्ट टाइम? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, क्या क्या देखे थे हम लोग? एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या था एंगुलर मैग्निफिकेशन? एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ओके, बीटा क्या था? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, यही था ना। तो यहां देखते हैं आप सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट आर ऑफ टू टाइप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं नियर ऑब्जेक्ट, इज नोन एज माइक्रोस्कोप। ओके, तो माइक्रोस्कोप क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, किसको बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप? ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ इज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, जो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है ना, जो हैंडल वाला जिसको हम लोग रीडिंग लेंस बोलते हैं, वो रीडिंग लेंस ही हमारा क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। ओके, दिख रहा है कि नहीं ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा? ओके, चलो आवाज क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? कॉन्वेक्स लेंस का इसी को क्या बोलेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसका प्रिंसिपल देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? तो प्रिंसिपल क्या है देखो, यहाँ पे ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, दैट मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी किए होंगे कि दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज फोकल लेंस। सपोज ए बी एक ऑब्जेक्ट है, कहां पर है ये ऑब्जेक्ट? दिस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बताओ कहां पर इमेज बनेगा? When any object is between, कहां इमेज बनता है? टेंथ क्लास में स्टडी की होगी, जब भी कोई कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर बनेगा? चलो बताओ कहां बनेगा इमेज? क्यों भव्या शुक्ला? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? प्रियल बता दो कहां बनेगा इमेज? बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, किस साइड बनेगा? देखो यहां पे क्या होता है, इसमें रेड आगे बनाते हैं हम लोग। एक ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है विदाउट डेविएशन सीधे पास हो जाएगा। सेकेंड लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, आपका रिफ्लेक्शन कहां से जाता है? फोकस से जाता है। अब ये दोनों लाइट रे इस तरफ डाइवर्स हो रहा है तो इधर तो क्या होगा? इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे तो इधर कहीं मिलेगा, यानी जो इमेज कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। तो इमेज कहां बन रहा है? टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड ही इमेज बन रहा है। और ये इमेज कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, आया समझ में? तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ
सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ देन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, ये इसका प्रिंसिपल है। ओके तो क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। जो हम लोग रीडिंग लेंस से रीडिंग लेते हैं ना, तो उसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहता है बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर। ये तुम्हारा एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, अब इमेज कैसे फॉर्म होगा देखो, एक लाइट से जो ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा, कहां से जाएगा फोकस में, फोकस बना दो इसको। अब ये लाइट है इस तरफ क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, तो इधर वो इंटरसेप्ट नहीं करेगा, कहां इंटरसेप्ट करेगा, इधर, इसको ऐसे आगे बढ़ाओ। ओके ये तुम्हारा हो गया A-B-A-B एबी का क्या हुआ, इमेज हुआ। ओके इको प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ये थोड़ा सा मैं इसको एक मिनट रुको, मैं थोड़ा इसको अच्छा एडजस्ट कर लेता हूँ परमानेंट अपने हिसाब से, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ एक चेयर रख दो, एक मिनट वेट करना। बस अभी हो जाएगा, अब ठीक है। क्या है तुम लोग सामने सामने दिख रहे हो ना, ऐसी आदत है मेरे को घर में क्लास का। ओके चलो अब ठीक है, चलो अब ठीक है। वीडियो स्मूथ नहीं चल रहा है। ओके चलो ठीक है, चलो देखो यहां फिर से बता दे रहा हूं, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, क्या होता है माइक्रोस्कोप, क्या है माइक्रोस्कोप, इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी नियर ऑब्जेक्ट। क्या है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग कहां का ऑब्जेक्ट देखेंगे, नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं। ओके अब इसका देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, फैन ऑफ कर दो यार, बिल्कुल हो रहा है पता है। What is construction? Microscope is consist of a convex lens of smaller focus as simple microscope.
यहाँ पर हम लोग सिंपल स्कोप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप का? गिवन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में है तो एक इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा किस तरफ? ऑब्जेक्ट के साइड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे होता है। सपोज ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर पासेज विदाउट डेविएशन, जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है विदाउट डेविएशन पास हो जाता है। पता है रूल, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, 10th क्लास में स्टडी किए हो। सेकेंड लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू फोकस। लाइट रे जो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। अब ये दोनों लाइट रे इधर इंटरसेप्ट करेगा क्या? क्योंकि इस तरफ तो ये डाइवर्स हो रहा है तो इस साइड ये इंटरसेप्ट नहीं करेगा। तो कहां इंटरसेप्ट करेगा? इसको अगर इस डायरेक्शन में प्रोसीड करोगे, एक इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, यहां से एक पर्सन देख रहा है, तो जब यहां से कोई पर्सन देख रहा है तो ए बी का इमेज कहां बनेगा? ए डैश बी डैश पे। क्लियर हुआ रे डायग्राम? बताओ रे डायग्राम क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ओके। अब यहां पर हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ओके, फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो देखो यहां सपोज देखो एडेस बीडेस क्या है? एडेस बीडेस है इमेज। इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको ले लिए बीटा। बताया था ना लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन बीटा होता है। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए हमको डेरिवेशन डिराइव करना है। बीटा क्या है? बीटा क्या होता है? विजुअल क्या होता है बीटा? कि विजुअल एंगल एस्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये बीटा है। देखो ए बी इमेज है, ये जो ए बी इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बनाया बीटा। कौन बना रहा है एंगल? इमेज बना रहा है। तो बीटा क्या है? बीटा फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस क्या है? डी है। और ये डी ही क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो याद रखना जब भी कोई भी इमेज बनता है तो वो इमेज कहां पर बनता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितना होता है हेल्दी आई के लिए? 25 सेंटीमीटर। तो अल्फा क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट प्लेन। सपोज ये ए डबल डैश बी डबल डैश हुआ और इस ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखने के बाद ये जो एंगल बन रहा है यहां पर यही होता है अल्फा। ये अल्फा वाले में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अल्फा क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। भाई अपना ऑब्जेक्ट तो ये भी ये है। ओके, बट इमेज कहां बन रहा है? ए डैश बी डैश पे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे? जहां पर इमेज बन रहा है वहां पर रखने से जो एंगल बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर हुआ ये अल्फा और बीटा क्या क्या है? कोई डाउट है बताओ इसमें?
अल्फा एंड बीटा में, एक बार और देखो इधर, ए बी ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन देखो, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, वन लाइट रे विद इंसिडेंट पासेस थ्रू फोकस, ये हो गया। अब इसको बैक डायरेक्शन में प्रोसीड किए, इसको भी बैक डायरेक्शन में प्रोसीड किए, तो ए बी का इमेज बना ए डैश बी डैश, तो ये तुम्हारा क्या है, इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो दिस इज द विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर। अल्फा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एडेस बीडेस पर रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को एडेस बीडेस पर रखे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये जो डिस्टेंस है यही तुम्हारा क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्यों अंकित, एक मिनट रुको, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो मैं एक और लिंक भेजा हूं, उससे कनेक्ट हो जाओ फिर से, ठीक है, रिमूव कर रहा हूं, फिर से कनेक्ट हो, चलो।